नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ब्रह्म बंगलेश्वर आयुर्वेदा 333 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कई आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानेंगे, जैसे कैप्सूल, टेबलेट और सिरप, जो कि स्त्री रोगों से संबंधित है। इन आयुर्वेदिक दवाओं के क्या फ़ायदे हैं और क्या दुष्प्रभाव हैं और इनकी सेवन विधि क्या होगी, यह सभी जानकारी हम इस एक वीडियो में ही जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम लिखना मत भूलना, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, जो दवा है वो एक नारी जीवन ज्योति कैप्सूल। तो दोस्तों, नारी जीवन ज्योति कैप्सूल के क्या फ़ायदे हैं, क्या इसकी सेवन विधि है, आइए जानते हैं वीडियो में। नारी जीवन ज्योति कैप्सूल के फायदे और दुष्प्रभाव। मासिक धर्म चक्र के समय होने वाली तमाम मुश्किलों, जैसे सामान्य से कम या ज़्यादा ब्लीडिंग, असहनीय दर्द, चिड़चिड़ापन, तनाव, डिप्रेशन, कमजोरी या थकावट, चेहरे पर बालों का उगना, अत्यधिक तेजी से वजन बढ़ना, बालों का झड़ना, बांझपन आदि में यह कैप्सूल बेहद फायदेमंद है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। यह दवा का सेवन करने से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। वैसे तो आप इस दवा का सेवन कुशल चिकित्सक के दिशा निर्देशानुसार ही करें। सेवन विधि, इस दवा का सेवन दिन में एक बार एक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ भोजन के बाद करना है। इसकी अवधि स्वयं अथवा चिकित्सक स्वयं निर्धारित करें। नारी जीवन ज्योति कैप्सूल में डाले गए औषध द्रव्य, शतावरी, अशोक, वट, जटा, लोद्र, पुनर्नवा, त्रिफला, आंवड़ा, बेहड़ा, दोस्तों यहाँ पर बेहड़ा की जगह बहेड़ा होगा, उदुम्बर, गुग्गल, निर्गुंडी, एलोवेरा, अजवायन आदि। दोस्तों, अगली जो दवा है वो है नारी शक्ति सिरप। नारी शक्ति सिरप के क्या फ़ायदे हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, नारी शक्ति सिरप के फायदे और दुष्प्रभाव। नारी शक्ति सिरप एक आयुर्वेदिक टॉनिक है जिसका निर्माण महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किया गया है। इसके सेवन से महिलाओं में होने वाली कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। नारी शक्ति सिरप श्वेत प्रदर तथा मासिक धर्म संबंधित बीमारियों में लाभदायक है। नारी शक्ति सिरप पीरियड्स के दर्द को कम करता है। नारी शक्ति सिरप को आयुर्वेदिक औषधि के उपयोग से बनाया गया है। इसके लिए इसके दुष्प्रभाव देखने को कम ही मिलते हैं लेकिन फिर भी चिकित्सक के परामर्श से ही इसका सेवन करना उचित माना जाता है। सेवन विधि, 2 से 3 चम्मच बराबर जल के साथ दिन में 3 बार भोजन के बाद सेवन करना चाहिए। नारी शक्ति सिरप के उपयोग, गर्भाशय के दर्द, वाइट डिस्चार्ज की समस्या, योनि के दर्द में महिलाओं के शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, मासिक धर्म संबंधित कई विकारों में, शरीर में खून की कमी दूर करने में नारी शक्ति सिरप का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, मतलब किया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो नारी सखी कैप्सूल, दोस्तों ये जो अगली दवा है नारी सखी कैप्सूल जीवा कंपनी का है। दोस्तों, यह एक आयुर्वेदिक कैप्सूल होता है। दोस्तों तो चलिए, दोस्तों नारी सखी कैप्सूल के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं और इसकी सेवन विधि क्या है, वीडियो में जानते हैं। नारी सखी कैप्सूल के फायदे और दुष्प्रभाव। नारी सखी कैप्सूल एक आयुर्वेदिक दवा है जो मुख्यतः महिलाओं के बांझपन, नपुंसकता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यौन शक्ति के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। नारी सखी कैप्सूल के मुख्य घटक हैं अश्वगंधा, नाग केसर, शतावरी, एलोवेरा आदि। अभी तक इस कैप्सूल के दुष्प्रभावों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी इस औषधि का सेवन चिकित्सक के दिशा निर्देशानुसार ही करें। सेवन विधि, 1-1 कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना है। चलिए दोस्तों, अगली दवा है रिवाइटल कैप्सूल टेबलेट। दोस्तों, ये जो रिवाइटल कैप्सूल जेंट्स के लिए अलग आती है और
लेडीज़ के लिए अलग आती है, जो जेंट्स के लिए होते हैं उसे रिवाइटल कैप्सूल होता है, और जो लेडीज़ के लिए आता है रिवाइटल एच वुमेन है, ये टेबलेट होता है दोस्तों। और डिब्बी में भी आती है जिसमें 30 टेबलेट होते हैं, सॉरी दोस्तों शायद 60 टेबलेट होते हैं। तो चलिए दोस्तों रिवाइटल एच वुमेन टेबलेट के बारे में जानते हैं। तो रिवाइटल एच वुमेन टेबलेट एक मल्टी विटामिन टेबलेट है जिसमें विटामिन B1, B2, B12 के साथ साथ ढेर सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि होते हैं। आप रिवाइटल एच वुमेन टेबलेट को फूड सप्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवाइटल एच वुमेन टेबलेट के फ़ायदे। रिवाइटल एच वुमेन टेबलेट एक मल्टी विटामिन है। आइए जानते हैं कि इस टेबलेट का उपयोग किन किन समस्याओं के लिए किया जाता है, जैसे वजन घटना, खून की कमी, एनीमिया, भूख ना लगना, विटामिन बी की कमी, कमजोरी में, मांसपेशियों के खिंचाव में, बालों के झड़ने में, आयरन की कमी, गर्भावस्था के कारण खून की कमी, HIV, माइग्रेन में, सीने का दर्द, मोच और खिंचाव। नोट, इस का उपयोग कुशल चिकित्सक के दिशा निर्देश अनुसार ही करें, स्वयं ना करें और ना ही किसी को सलाह दें। रिवाइटल एच वुमेन टेबलेट की सेवन विधि। एक टेबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना है। दोस्तों अगली दवा आई है जो ये सिरप है, नारी ऊर्जा सिरप। दोस्तों नारी ऊर्जा सिरप के क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या मतलब सेवन विधि क्या है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इस वीडियो में इसके बारे में भी जानते हैं। तो नारी ऊर्जा सिरप के फायदे और दुष्प्रभाव। नारी ऊर्जा सिरप अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, गोखरू और आमलकी आदि जड़ी बूटियों का आयुर्वेदिक मिश्रण है, जो महिलाओं में अनियमित पीरियड्स की समस्या में बेहद फायदेमंद है। आमतौर पर यह समस्या हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होती है। आइए जानते हैं नारी ऊर्जा सिरप महिलाओं के किन समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद होता है। अनियमित पीरियड्स आना, थायराइड से पीड़ित महिलाओं को मोटापा, तनाव, अवसाद, बांझपन, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, श्वेत प्रदर में, शरीर में होने वाले खून की कमी को दूर करने में, शरीर को हमेशा स्वस्थ स्फूर्तिवान बनाए रखता है, कामेच्छा को बढ़ाता है, यानी दोस्तों ये हमारे कामेच्छा को बढ़ाता है, यानी हमारे दोस्तों आप इसे समझते होंगे। और नारी ऊर्जा सिरप की सेवन विधि अगर दोस्तों को कहें तो नारी ऊर्जा सिरप की सेवन विधि, इस सिरप को 10-10 ml खाना खाने के बाद, मतलब दोस्तों 10 ml खाना खाने के बाद दिन में दो बार सुबह शाम लेना है। दोस्तों सुबह 10 ml और शाम को 10 ml खाना खाने के बाद लेना है। अगला जो टेबलेट है दोस्तों ये पतंजलि कंपनी का है, दिव्य संतति सुधा टेबलेट। तो दोस्तों ये पतंजलि कंपनी का है दोस्तों। तो आइए दोस्तों संतति सुधा टेबलेट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों संतति सुधा टेबलेट की क्या मतलब इसके फायदे क्या इसके फायदे हैं और इसकी सेवन विधि क्या है और इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इस वीडियो में संतति सुधा टेबलेट के बारे में जानते हैं दोस्तों। संतति सुधा टेबलेट के फायदे और दुष्प्रभाव। यह टेबलेट बांझपन को दूर करता है, गर्भाशय के फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को ठीक करता है जिससे गर्भधारण में आसानी हो। संतति सुधा टेबलेट एक बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक दवा है। यह आयुर्वेदिक औषधि गर्भाशय की कई रोगों और विकारों को ठीक करता है। यह गर्भ के लिए रामबाण औषधि है। अगर इसके दुष्प्रभावों की बात करें तो औषधि को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और इसके ओवरडोज सेवन से बचें। संतति सुधा टेबलेट की सेवन विधि। 2-2 टेबलेट सुबह शाम गुनगुना पानी से खाना खाने के आधे घंटे बाद लें। तो दोस्तों चलिए अगले दवा को देखते हैं, नारी कांति टेबलेट। दोस्तों ये भी पतंजलि कंपनी का है। नारी कांति टेबलेट के क्या फ़ायदे हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या सेवन विधि है, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं दोस्तों। नारी कांति टेबलेट के फ़ायदे और दुष्प्रभाव। अधिक ब्लीडिंग रोकने में नारी कांति टेबलेट के फायदे। पीरियड्स के दौरान स्त्रियों के शरीर से गंदा रक्त बाहर निकलता है। मासिक धर्म के दौरान रक्त का निकलना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन समस्या तब आती है जब खून अधिक मात्रा में निकलने लगता है। इसके अलावा नारी कांति टेबलेट के फायदे हैं, जैसे शारीरिक कमजोरी दूर करने में, श्वेत प्रदर में लाभदायक है, पीरियड्स के दर्द में,
गर्भ को स्वस्थ रखने में यूटीआई इन्फेक्शन में, यानी दोस्तों जब हमारे मूत्र मार्ग में मतलब औरतों के मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का कोई संक्रमण होता है तो उसको यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यूटीआई इन्फेक्शन में थकान दूर करने में, और दोस्तों इसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करें तो अभी तक इसके कोई भी दुष्प्रभावों की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी इसके ओवरडोज सेवन से बचें और इसका सेवन करने से पहले कुशल चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। नारी कांति टेबलेट की सेवन विधि, एक एक टेबलेट सुबह शाम भोजन के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से लें। यदि स्थिति दोस्तों यहाँ स्थिति लिख गया है दोस्तों, यदि स्थिति में तो यहाँ पर आप जब मैं पीडीएफ बना रहा था थोड़ी गलती हो गई दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यदि स्थिति में जल्दी सुधार चाहते हैं तो एक की जगह दो टेबलेट भी ली जा सकती है। यानी दोस्तों जैसे मैंने सेवन विधि यहाँ पर बता रखी, एक एक टेबलेट सुबह शाम भोजन के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से लें। यदि गंभीर अवस्था है या फिर आप अपनी स्थिति में जल्दी सुधार चाहते हैं तो दो दो टेबलेट सुबह शाम भोजन के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से लेना है। तो दोस्तों अगली दवा है आपकी नारी सुंदरी सिरप। तो दोस्तों ये नारी सुंदरी सिरप के क्या फ़ायदे हैं और क्या दुष्प्रभाव हैं वीडियो में देखते हैं। दोस्तों नारी सुंदरी सिरप के फायदे और दुष्प्रभाव, मासिक धर्म के दर्द में यानी जब पीरियड्स आता है जब दर्द होता है तो उसमें फ़ायदेमंद है। श्वेत प्रदर में, पीरियड्स में अधिक ब्लीडिंग में, पीरियड्स में अनियमितता में यानी इरेगुलर पीरियड्स जब आते हैं तो उसमें भी। शारीरिक कमजोरी में, खूबसूरत बनाने में यानी औरत को जो औरतों का जो सौंदर्य मतलब औरतों को खूबसूरत बनाने में यानी औरतों को खूब सुंदर बनाने में भी नारी सुंदरी सिरप का उपयोग कर सकते हैं। नारी सुंदरी सिरप कमर दर्द की समस्या में भी लाभदायक है। नारी सुंदरी सिरप महिलाओं के रिप्रोडक्टिव आर्गन को हेल्दी बनाने के लिए भी उपयोगी है, इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। नारी सुंदरी सिरप की सेवन विधि, 10-10 ml दिन में दो बार सुबह शाम भोजन के बाद। तो चलिए दोस्तों अगली दवा देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो गई है दोस्तों, तो दोबारा जूम करता हूँ, फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला जो सिरप है वो सच्ची सहेली सिरप है। तो सच्ची सहेली सिरप के क्या उपयोग हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके, चलिए वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तो सच्ची सहेली सिरप के फायदे और सेवन विधि। सच्ची सहेली एक आयुर्वेदिक दवा है जो मुख्यतः मासिक धर्म की समस्या, पेड़ों में दर्द, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, एनीमिया, कमर दर्द के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सच्ची सहेली सिरप का उपयोग कुछ दूसरी समस्याओं के लिए भी किया जा सकता है। सच्ची सहेली सिरप का सेवन दिन में दो बार दो दो चम्मच खाना खाने के बाद लेना है। चलिए दोस्तों अगला सिरप क्या है देखते हैं, अगली दवा क्या है। तो हेम पुष्पा सिरप दोस्तों ये काफ़ी प्रचलित सिरप है और बहुत ही जाना माना सिरप है दोस्तों। तो हेम पुष्पा सिरप के क्या फ़ायदे हैं, इसकी सेवन विधि क्या है, चलिए वीडियो में देखते हैं। हेम पुष्पा सिरप के फायदे, दुष्प्रभाव और सेवन विधि। यह एक आयुर्वेदिक दवा है जो मुख्यतः हार्मोन असंतुलन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। मासिक धर्म को नियमित करता है, मूत्र संबंधी समस्याओं को ठीक करता है, पतली लड़कियों का वजन बढ़ाने में यानी जो लड़कियां दुबली पतली हों उनको हेल्दी बनाता है, मोटा करता है उनको मतलब थोड़ा, गैस्ट्रिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोगी, एनीमिया में फ़ायदेमंद है। दोस्तों जो हेम पुष्पा सिरप इसका एक और फ़ायदा है दोस्तों, ये औरतों को जो मतलब पेट में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है जैसे गैस बनना है दोस्तों और भी कई समस्या हैं तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो हेम पुष्पा सिरप एक आयुर्वेदिक दवा होने के कारण इसके नुकसान तथा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। सेवन विधि, 10-10 ml दिन में दो बार खाना खाने के बाद लेना चाहिए। नोट, नारी पुष्पा सिरप का उपयोग होम पुष्पा सिरप के समान ही है और सेवन विधि दुष्प्रभाव फायदे समान हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।